we all welcome you in india's best learning platform upcoming ias and today we are going to deal with some current affair issues i hope you all are doing well so let's jump into the video and today we are going to discuss g20 nations which is seen in the news okay students so why this g20 nation is in the news this is because last month in July 2022, the meeting of G20 nation held in Bali. And for the first time after the Russia Ukraine war, the US and Russian envoys came in front. Also, if we talk about India, then Indian External Affairs Minister S. J. Shankar and Chinese.

वो नवंबर फिफ्टीन सिक्सटीन में होगी जिसमें हेड्स ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट वो आके मीटिंग करेंगे ओके okay, तो उस टाइम पे मीटिंग में क्या डिस्कशन होगा वो हम आपको जब अपडेट कर देंगे टिल देन आई एल ब्रीफ यू अबाउट द जी ट्वेंटी नेशन सो स्टूडेंट्स जी ट्वेंटी ग्रुपिंग एक ऐसी ग्रुपिंग है जो हमारे पूरे वर्ल्ड की 80% परसेंट को कॉन्ट्रीब्यूट करती है और इसके साथ ही साथ 75 परसेंट इंटरनेशनल ट्रेड में भी इसी कंट्रीब्यूशन है और पूरे वर्ल्ड की 60 परसेंट पॉपुलेशन भी इन जी ट्वेंटी कंट्रीज़ के अंदर रहती है तो आप ये समझ ही गए होंगे कि जी ट्वेंटी ग्रुपिंग हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एलॉन्ग विद दिस जी ट्वेंटी एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें 19 कंट्रीज़ हैं एंड वन एंटिटी है और वन एंटिटी कौन है यूरोपियन यूनियन इसलिए इसको जी ट्वेंटी बोलते हैं नाइन्टीन कंट्रीज़ इन वन एंटिटी इसमें ट्वेंटी कंट्रीज नहीं है याद रखना ये क्वेश्चन में भी ट्रिकी आ सकता है वैसे यू में तो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा बट हाँ स्टेट्स पी में आ सकता है बट येस ये जो जी ट्वेंटी मेम्बर कंट्रीज़ हैं इनसे यू में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन था तो जी ट्वेंटी की मेम्बर कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया यू एस ए यू के कैनेडा एंड सोन एंड ये पॉइंट याद रखने का है कि स्पेन एक मेंबर कंट्री नहीं है ये एक परमानेंट गेस्ट की तरह जी ट्वेंटी नेशन में ट्रीट करा जाता है नाउ मूविंग ऑन टू द हिस्ट्री ऑफ जी ट्वेंटी वाई दिस ग्रुपिंग हैज़ बीन फॉर्म्ड अगर हम लेट नाइनटीन नाइन्टीज की बात करें तो देखा गया जा रहा था कि जो जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस आना स्टार्ट हो गए थे और सबसे पहले मैक्सिको में ये क्राइसिस देखा गया था 1994 में फिर एशियान में 1997 में फाइनेंशियल क्राइसिस देखे गए फिर उसके बाद रशिया में भी 1998 में क्राइसिस देखे गए सो so ये एक बहुत ज़्यादा कंसर्न का टॉपिक अपने आप बन जाता है कि जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस की तरफ कंट्रीज जा रही हैं उनके यहाँ पे अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है तो जो बाकी लीस्ट डेवलपिंग नेशंस हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम आगे जाके होने वाली है इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये ग्रुपिंग बनाई गई थी एंड देन ओवर द ईयर्स इसमें और एजेंडाज़ ऐड होते गए लाइक क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन बिकॉज उसमें भी फाइनेंशियली चीज़ें आएंगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सो ऑन ओके तो हम ये समझते हैं कि जी ट्वेंटी काम कैसे करता है देखो जी ट्वेंटी का कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं होता सबसे पहले तो ये ही बात ध्यान रखने की है कि परमानेंट प्रेसिडेंसी किसी भी कंट्री के पास नहीं होती ये रोटेशन बेसिस पे कंट्रीज़ uh, के पास जाती रहती है और जिस भी कंट्री को इसकी प्रेसिडेंसी मिलती है वो अपने एक रिप्रजेंटेटिव बनाते हैं जिन्हें हम शेरपाज़ बोलते हैं देन ये जो शेरपा होते हैं ये फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं एंड बेसिकली ओवरऑल डिसाइड करते हैं कि कैसे जो भी मीटिंग्स हैं उसके प्रोसीजर्स होने हैं ओके okay, ये जो शेरपाज होते हैं इनका लिटरली मीनिंग होता है द पर्सन विच गिव्स यू डायरेक्शन तो ये शेरपा सभी जो एक्सपर्ट ग्रुप होते हैं उनके साथ भी मिलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर के साथ जैसे मैंने आपको बता दिया सबके साथ मीटिंग करते हैं और इंडिया के जी ट्वेंटी के शरपा कौन होंगे वो है अमिताभ कांत जो एक्स नीति आयोग के सीईओ थे और इससे पहले कौन था इससे पहले थे पीयूष गोयल एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी है ये रोटेशन बेसिस पे डिसाइड होती है और इसके साथ ही साथ ये एक ट्रोएका कंट्रीज भी बनाते हैं जिससे कि जो जी ट्वेंटी की फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली हो पाए और अभी ट्रोएका कंट्रीज़ कौन सी हैं इटली इंडोनेशिया एंड इंडिया मीन्स अभी इंडोनेशिया में होगी तो अब नेक्स्ट टाइम की जो सबमिट होगी वो इंडिया में होगी नाउ लेट सी जी ट्वेंटी मीट में हुआ क्या एक्चुअली वहाँ पे एक फ्रैक्चर सर देखने को मिला क्यों क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी वो बार बार रशिया यूक्रेन वॉर को हाईलाइट करे जा रहे थे एंड रशिया इन टर्न वो यूएस को एक्यूज़ कर रहा था कि यूएस इन सभी चीज़ों के पीछे इनको भड़काने के पीछे हालांकि कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना इंडोनेशिया इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इनका म्यूटेड रिस्पॉन्स था रशिया यूक्रेन वॉर के इशू के ऊपर एंड uh, एक और चीज़ ये देखी गई कि जो ब्रिटिश की फॉरेन सेक्रेटेरियट थी उनको वो मीटिंग छोड़ के जल्दी जाना पड़ा क्यों क्योंकि ब्रिटिश में भी ऑलरेडी बोरिस जॉनसन जो है वो रिज़ाइन कर चुके हैं आई मीन वो अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि वो अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करेंगे तो एक फ्रैक्चर सा काइंड ऑफ देखने को मिला ओके स्टूडेंट्स नाउ सी कि जी में जो डिस्कशंस हुए वो क्या हुए जो फॉरन मिनिस्टर्स मिले थे तो सबसे पहले तो मल्टी को और स्ट्रेंथन करने का बोला गया उनको बोला गया कि सभी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन्हें यूएन चार्टर के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा जिससे कि हम अपने मल्टीलिटरलिज्म को स्ट्रेंथन कर पाएँ एंड सेकेंड चीज़ जिस पर बात हुई वो थी फूड एंड एनर्जी क्राइसिस कॉज हम सबको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद फूड के प्राइस बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं एंड इन्फ्लेशन uh, इतनी ज़्यादा आ चुकी है क्यों क्योंकि फूड की यानी सभी चीज़ों के प्राइस बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है कंट्री में अभी एंड फर्टिलाइज़र उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है एनर्जी एनर्जी की भी बहुत ही ज़्यादा वर्स कंडीशन है तो इन इन चीज़ों पे बात करी गई एंड इफ आई वांट टू सम द एंटायर डिस्कशन देन ये सिंगापुर की फॉरेन मिनिस्टर्स के पॉइंट्स मुझे काफ़ी बेटर लगे स्टूडेंट्स यहाँ पर यह ध्यान रखने की नीड है कि सिंगापुर उसकी एक मेम्बर कंट्री नहीं है वो जनरली एज अ गेस्ट जी ट्वेंटी की समिट्स में मल्टीपल टाइम इन्वाइट करी गई है एंड उनके फॉरन मिनिस्टर्स ने क्या कहा स्टॉप वेपनाइजिंग फूड फूड को खाने को हथियार बनाना बंद बन करो क्योंकि क्योंकि रशिया ने जो भी यूक्रेन से वीड एक्सपोर्ट्स आने थे उन सबको वहाँ पे ब्लॉक करवा दिया है तो इसी की वजह से नॉट ओनली इन इंडिया नॉट ओनली इन रशिया पूरे एंटायर वर्ल्ड में फूड शॉर्टेज हो चुकी है इसीलिए उन्होंने इस पर एम्फोसाइज किया है एंड देन उन्होंने कहा कि अपने बॉर्डर्स को ओपन करो एंड इफ़ देर इज़ एनी टेम्पटेशन ऑफ प्रोटेक्शनिज्म देन डू रेजिस्ट दैम तो उनको आपको प्रोटेक्शनिज्म प्रोवाइड करनी या तो आप करो लेकिन एटलीस्ट फूड को तो आने दो वहाँ से एंड द लास्ट पॉइंट इज ट्रांजिशन टू ग्रीन एनर्जी हमें अब ग्रीन एनर्जी पे स्विच कर जाना चाहिए मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो हमें रिन्यूएबल सोर्स एंड सस्टेनेबल सोर्स से करना चाहिए एंड गाइज अब एक लास्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बतानी रहती है वो ये कि अब जो नेक्स्ट जी ट्वेंटी सब्मिट है वी ऑल नो दैट कि वो इंडिया में होने वाली है एंड हमारे मिनिस्टर्स ने उसकी प्लेस को कश्मीर बताया है पहले न्यू दिल्ली में होने वाली थी अब वो कश्मीर में होगी सो so, ये इतना ज़्यादा डिप्लोमेटिक व्यू उन्होंने रखा है इससे हमें ये भी पता लग जाएगा कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं कौन सी वो हैं जो हमारे सपोर्ट में है कश्मीर इशू पे एंड कौन सी जो कंट्रीज़ हैं जो सिर्फ हमें सिर्फ वर्ड से बोलती है दे आर नॉट एक्चुअली सपोर्टिंग अस ओके सो नाउ वी विल एंड आर सेशन हेयर, बट उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स हम कल से ऑल्टरनेटिव डेज पे एक स्कीम्स का वीडियो रखने वाले हैं सो आई होप यू ऑल विल स्टे कनेक्टेड विद आस, सो दैट यू विल रिमेन अपडेटेड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे डू योर बेस्ट स्टडी